हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। और कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन अ डे ब्रिंग्स यू नियर आईआईटी गेटवे। उसी कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, पहले ये समझते हैं। तो क्वेश्चन है बेटा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज 0.1 एट 298 केल्विन। फिर दिया है मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज सेम एज इट्स मोलालिटी, और दिया डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या फाइंड आउट करना है, द रेशियो ऑफ द मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दिया है स्मॉल m सॉल्यूट अपॉन स्मॉल m सॉल्वेंट। वैसे तो कैपिटल एम मोलर मास होता है, लेकिन अब चूंकि यहाँ लिख दिया गया है तो हमको बिल्कुल एक्स्ट्रा इस पे दिमाग नहीं लगाना है। हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट का हमें क्या निकालना है, निकालना। अब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अननोन है, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, और मोलर मास सॉल्वेंट का निकालना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को। सामने देखिए सभी लोग, सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन दिया है, चूंकि मोल फ्रैक्शन किसका बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है कितना, 0.1 ये दिया है। और हम जानते हैं सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू, तो 1 में से क्या करोगे, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बेटा घटा दोगे तो 0.9 आ जाएगा। ये मोल फ्रैक्शन किसका आ गया, ये आ गया सॉल्वेंट का। अब उसके बाद क्या हुआ, ये इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिए और इनको डिवाइड कर दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या सिंपल इक्वेशन ना भी लिखो चलेगा, आप तो इनको डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू, ये क्या होता है, ये होता है मोलालिटी। क्या लिखा है, मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला होता है अपॉन 1000, ये फॉर्मूला होता है। ये किसका है, ये कंबाइन क्वेश्चन है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेटा लगे हैं और ये कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए तो जिसमें मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन और डेंसिटी भी इन्वॉल्व हो चुकी है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। चलिए तो अब हमें क्या बोला गया है, हमें यहाँ पे बेटा दिया 0.1 और ये 0.9 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपान कितना, 1000। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या डेसिमल हटा दोगे, ये डेसिमल हट जाएगा यहाँ से। तो चलिए अगले पेज पे आ जाते हैं, तो यहाँ मिलेगा आपको मोलालिटी और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपान कितना, 1000, ऐसे लिखा रहने दीजिए 1/9, इक्वेशन आ गया बेटा 1, इसको लिख लेते हैं अभी, ठीक है, इसको 1 या फिर 1 उधर माना था 3 लिख लीजिए। आगे अब आपको क्या दिया है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया है, मोलारिटी और मोलालिटी गिवन नहीं है, लेकिन एक रिलेशन दिया है, क्या मोलालिटी इक्वल टू मोलारिटी, हो सकता है ऐसा तो लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग लगाने जा रहे हैं रिलेशन 1/मोलारिटी, ये भी याद रखना चाहिए, ये बेटा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और किस में रहना चाहिए, ग्राम पर एमएल या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रहना चाहिए, ये अपान में क्या होता है, मोलालिटी, मोलालिटी है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, एमआर से लिख रहे हैं यहाँ पे मोलारिटी, माइनस का यहाँ पे आता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपान 1000, समझ गए बात को। अब क्या क्या दिया गया है देखिए, तो डेंसिटी आपको बेटा कितनी गिवन है, क्योंकि आपको डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है, कितनी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू आपको कितनी गिवन है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी आपको गिवन है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपको दिया है मोलालिटी इक्वल टू मोलारिटी, ये आपको गिवन है, पुट कर देते हैं यहाँ पे,
तो अब ये चीज़ें इसमें पुट कर देते हैं तो आपको मिलेगा 1/मोलालिटी इक्वल टू डेंसिटी 2/मोलालिटी माइनस का मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, पूरा लिख दीजिए, 1000। समझ गए बात को। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो ठीक है, हमें तो ये निकालना है, इसको इधर ले जाइए, इसको इस साइड में ले जाइए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपान कितना लिखेंगे, 1000 इक्वल टू, देखिए ध्यान से, 2/मोलारिटी और ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1/मोलारिटी बचेगा कि नहीं बचेगा, इधर 1/मोलालिटी बच गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन टू, इसको मान लीजिए इक्वेशन टू। चलिए इसको सिंप्लीफाई और करते हैं, तो देखिए इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आपको मिल जाएगा मोलालिटी, मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, इक्वल टू 1000। ये हो गया इक्वेशन फोर। अब क्या करना है हमको, रिलेशन निकालना है, किसमें, रेशियो निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो इक्वेशन फोर को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन थ्री में। तो देखिए सामने, जब इसको डिवाइड करोगे, ये ऊपर रखना और इसको नीचे रखना, तो होगा क्या बेटा, ये कट जाएगा, मोलालिटी मोलालिटी कटेगा और 1000 भी यहाँ से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो चाहे पूरा, ये आएगा सॉल्वेंट अपान में, अपान में क्या रहेगा, मोलर मास मोलालिटी इनटू मोलर मास, ये सॉल्यूट रहेगा ऊपर और यहाँ पे सॉल्वेंट, और इसके अपान में क्या है बच्चों, इधर है अपान में 1000। देखो ध्यान से, अब ऊपर यहाँ पे क्या है 1000 और ये वाला आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/9। ध्यान से समझना, अब ये 1000 ऊपर जाएगा तो मैं डायरेक्टली अगर चाहूँ तो यहीं कट कर सकता हूँ, देखिए आगे स्टेप नहीं पढ़ाने, सबसे पहले मोलालिटी से मोलालिटी कटेगा, ये 1000 ऊपर जाएगा और ये इससे कट जाएगा और ये 9 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 9। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो दिस इज आंसर फॉर एस। तो ठीक है बच्चों, तो देखा हमने, ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आप देख लीजिए जाके, और जेई 2016 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग लाते रहेंगे, आप जो है ये रेगुलर देखते रहिए, तो होपफुली आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है क्लियर होंगे, और वो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे उस वो सारे कॉन्सेप्ट लाएंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। यकीन मानिए, हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ से लगभग 90-95% कॉन्सेप्ट जो है वो कवर कर लेंगे इन 100 क्वेश्चंस में। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। क्रिएटिव साइंस एकेडमी।